डेमोन भाई क्या है, कोई बोल सकता है क्या? डेमोन भाई क्या है, कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए और भाई यार, भाई मैं आपका ना स्वागत तो करो हमारा। ओके सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से डीमन किंग गेमिंग की एक और नई वीडियो में, जहां गाइस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ग्लूटोनी के साथ नो बंदा किल चैलेंज। क्या बोला तूने? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या बोल दिया मैं? मतलब आज की वीडियो में हम सिंपली क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम किसी को भी, मतलब एक भी बंदा नहीं खाएंगे, हम चुपचाप जाएंगे भाई एक कोने में बैठ जाएंगे और वहाँ पे जाके हमें सिर्फ और सिर्फ सब बंदों को और इम्पोस्टर्स को वोट आउट कराना है और एंड तक सरवाइव करना है। वाओ, वेरी डेंजरस। तो ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, तो भाई इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इसलिए अभी से भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तरीका है भीख मांगने का? बाकी अभी मैं सिक्योरिटी को भाई ऐसा अपनी जो शील्ड चुन लेता हूँ, यहीं पे भाई मैं खड़ा रहूंगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा दो लोग खड़े होते हैं, एक होते हैं व्हाइट जैक और एक होता है ग्लूटोनी खुद, तो मैं अभी यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ हूँ और यहीं पे खड़ा रहूंगा, मैं देखता रहूंगा। डॉक्टर रिवाइव दे दे, बस एक बार डॉक्टर ने रिवाइव दे दिया ना। Okay, so hello, what's up guys? स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से डीमन किंग गेमिंग की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए मुझे, पता नहीं क्यों भाई आदि एक जो है ऐसा गेम प्ले जरूर से डलता है जिसमें मैं हारता हूँ और वही हुआ। खैर भाई, हम लोग दोबारा से आ चुके हैं सुपर सस में ग्लूटोनी के साथ, जिसमें हम एक भी बंदा नहीं खाएंगे। इस चैलेंज को मैंने नाम दिया है नो ईट चैलेंज। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली हमें सब बंदों को वोट आउट कराना है और इम्पोस्टर से मरना भी नहीं, और हमें जो है एंड तक सर्वाइव करके इस गेम को जीतना है। तो सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पर बन चुका हूँ ग्लूटोनी, और मैं भाई यहाँ पर घासों में आके खड़ा हो चुका हूँ और यहीं पर मैं खड़ा रहूँगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाता या कुछ भी नहीं होता, या इमरजेंसी मीटिंग नहीं बैठती है या तो कोई बंदा किल नहीं होता है। अगर कोई भी बंदा मेरे पास आएगा तो मैं खुद से इमरजेंसी मीटिंग बिठा दूंगा, इसलिए मैंने रिमोट बटन को एज अपनी जिम इक्चर है, वरना मैं हमेशा ग्लूटोनी के साथ जंपी शूज का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, समझ गया। बट यहाँ पे आज मैंने इमरजेंसी मीटिंग चुनी थी ताकि अगर कोई मेरे करीब आए तो मैं इमरजेंसी मीटिंग बिठा के खुद को बचा सकूँ और उन सब लोगों की नज़रों में भी सेफ हो जाऊँ। खैर अभी भाई मैं इधर कब्रिस्तान वाली साइड की घासों में आके खड़ा हो चुका हूँ और मैं थोड़ी देर यहीं पे खड़ा रहूँगा, या यहीं पे खड़ा रहूँगा मैं जब तक मीटिंग नहीं बैठती। पर इस गेम में एक सबसे बड़ी दिक्कत है और वो है ब्लैक जैक। अगर एंड में दो बंदे बचते हैं तो ब्लैक जैक मेरे को इजीली गेस करके गेम को जीत सकता है। खैर मैं नहीं जानता भाई क्या आखिरकार इस गेम का अंजाम क्या होने वाला है, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम लोगों को मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं मनोज की तरह बार बार क्यों बोले जा रहा हूँ? खैर भाई अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ और देख रहा हूँ कि आखिरकार कौन कौन से रोल है, बट इतने में ही ग्रीन भाई ने इमरजेंसी मीटिंग बिठाई है। आइए देखते हैं ग्रीन भाई मीटिंग में क्या बोलते हैं। पर्पल को निकालो, पर्पल ने मेरे सामने मार के पर मारा है, पर्पल को निकालो। ओके निकालो भाई, वोट पर्पल देखो बाहर से सामने सामने मार रहा है फिर से। इधर से तो पर्पल ही गया, उधर से पर्पल गया और पर्पल ही मार गया भाई। निकालो निकालो, यहाँ चांस देने के लिए कोई सरकारी एग्जाम थोड़ी है। क्या जोक मारा भाई! ये प्राइवेट एग्जाम है, प्राइवेट।
तो गाइज हम लोगों को पता चलता है यहाँ पे कि पर्पल अपना एक जो है मतलब सब लोग कहते हैं कि पर्पल को वोट आउट करा दो, बट हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक इम्पोस्टर मर चुका है। बस मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि वो इम्पोस्टर जो मरा हो वो ब्लैक जैक हो। अरे हम जिंदा हैं। अगर गलती से भी वो इम्पोस्टर डिमेंटर हुआ ना तो बहुत गंदे मेरे एल लगने वाले हैं। बस भाई मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि वो जो अपना इम्पोस्टर हो वो ब्लैक जैक हो, क्योंकि अगर ब्लैक जैक मर चुका होगा तो भाई मेरे को गैस लेने वाला कोई बचेगा नहीं, और अगर एंड तक गेम चलता है तो मैं लास्ट में इम्पोस्टर को खा के गेम को खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि भाई बिना उसे खाए गेम खत्म ही नहीं होगा। खैर अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बिठाने वाला हूँ इमरजेंसी मीटिंग। ओके गाइज मेरी बात सुनो, मैं जो वेटरन हूँ ठीक है, मेरे हिसाब से ब्लैक जैक जो मर चुका, तो मैं अपना रोल बता देता हूँ, मैं तो वेटरन हूँ, और अगर इम्पोस्टर मतलब अपना ब्लैक जैक अब भी जिंदा है तो भाई तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे को वेटरन गैस ले ले और मैं तुम्हारा सेफ बंदा हूँ। तो अब एक काम करो, एक एक करके बंदों को वोट आउट कराने लगो, तो सबसे पहले एक काम करो हम ग्रीन या सियान में से किसी एक को वोट आउट करते हैं। अरे सुनो यार निकाल दो, इसको निकालना है, निकालो। तो कर रहे हो वो दे बताओ। अब यहाँ पे मैंने जो करा वो करा एक तीर से दो निशाने, मैंने ग्रीन को वोट आउट करा और ग्रीन अपना हंटर निकला और उसने हंट कर दिया यहाँ पे ऑरेंज को, बट अब भी एक इम्पोस्टर बचा है। अगर गलती से भी उस इम्पोस्टर ने किल कर दिया तो डिमेंटर री इनकार्नेशन कर लेगा, अगर डिमेंटर मरा होगा तो, और अगर ब्लैक चेक हुआ तो वो भाई गैस लेके भाई बहुत गंदे लगा सकता है। खैर अभी भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो भूतों को पकड़ने वाला टास्क है, ये भूतों को पकड़ने वाला टास्क करने हो यहाँ पे, भाई मैंने एक दो तीन भूतों को यहाँ पे पकड़ लिया, भाई मैं दूसरी साइड के भी भूतों को पकड़ने जा रहा हूँ, बट भाई यहाँ पे भूत कंप्लीट हो चुके तो मैं मीटिंग बिठा रहा हूँ। ओके देख ब्लैक जैक, मैं बताऊँ तुम्हें, मेरे हिसाब से डिमेंटर वोट आउट हुआ है और ब्लैक जैक अभी भी जिंदा है। ब्लैक जैक देख मेरे को गेम खेलना नहीं है, मेरे को दूसरे गेम में जाने दे, क्योंकि ये गेम जीतना मेरे लिए हार्ड है, गेम में ऑलरेडी ग्लूटोनी ब्लैक जैक है, तो भाई मेरे को वेटरन गैस ले, गेम को खत्म कर, और अगर ब्लैक जैक मर गया तो सियान को वोट आउट करो, सियान अपना इम्पोस्टर, मैं कंफर्म बात करूं कि सियान अपना इम्पोस्टर है। हाँ भाई मैं पागल हो चुका हूं, भाई गेम जीतना है भाई मेरे को, सियान को निकालो, सियान को निकालते ही गेम फिनिश है ठीक है, सियान अपना इम्पोस्टर है, सियान को निकाल दो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं तो इम्पोस्टर हूँ नहीं ठीक है, और करना तो कर दो, मुझे लौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है समरिया, चूतियों से बात नहीं करता मैं, कर दो। ओके गाइस मैं भी यहाँ पे लोगों ने मेरी बात मान ली, ये लोग खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बस बहुत बढ़िया, ब्लैक जैक मर चुका है यहाँ पे, ब्लैक जैक मेरे को गलत कैसे लेके, मुझे पता था भाई, मैंने पूरे टाइम मैंने यही बोला कि मैं विट्रन हूँ, ब्लैक जैक मुझे कैसे लेके मर चुका हूँ, यहाँ पे सियान निकलेगा, अगर इम्पोस्टर जिंदा नहीं हुआ तो मैं इस गेम इस चैलेंज को ओके जीत गया। वाओ झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुके रहना पड़ेगा, अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। फाइनली गाइस फाइनली मैंने ये वाला चैलेंज कंप्लीट कर लिया, भाई मोस्ट हार्डेस्ट चैलेंजेस में से एक था ये, जिसमें था ग्लूटोनी बनके किसी बिना किसी बंदे को खाए जीतने वाला चैलेंज, और तुम्हारे भाई ने आखिरकार ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया। तो गाइस यही थी आज की ग्लूटोनी नो ईट चैलेंज, अगर वीडियो जरा भी चलेगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर जरा भी न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर एंड पीस आउट।